श्रीनिवास जी के कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगा है, कुछ कहना चाहेंगे? शहर में जब भी कोई हादसा होता है लोग राका का ही नाम क्यों लेते हैं? अरे उनके साथ तो हमारे पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था। हाँ हमारे थोड़े मतभेद थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की जान ले लें। उनकी मौत का हमें बेहद अफसोस है, भले आदमी थे। कातिल राका है। राका और श्रीनिवास जी की दुश्मनी को शहर का बच्चा बच्चा जानता है। मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि इस कत्ल के पीछे राका का हाथ है? शहर में तो उनके और भी दुश्मन है। ये उसकी चाल है, आप नहीं समझ रहे हैं। उस घटिया इंसान ने मौकाए वारदात का फायदा उठाया। श्रीनिवास राव ने बिल्कुल सही कहा था, उसके मरने पर सारी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। ये तो अच्छा हुआ कि माया वहां पर मौजूद था। अब लोगों को लगेगा कि शायद ये खून माया नहीं किया है, और ये खबर हर एक अखबार की सुर्खियों में होगी। माया को भी वही मार देना चाहिए था। अगर वो भी वहां मर जाता तो अब तक पुलिस यहां पहुंच चुकी होती। राका। आइए एसीपी साहब। श्रीनिवास जी के कत्ल के इल्जाम में आपके नाम वारंट इशू हुआ है। आपका दिमाग खराब हो गया मेरे नाम का अरेस्ट वारंट? हमारे पास सबूत है सर। मौकाए वारदात पे हमें 3 कार्ट्रिज मिले हैं, उन्हीं गोलियों के जिनसे कत्ल हुआ है। हमें जांच से पता चला है कि वो गोलियां आप ही के नाम थी। किसी ने 4थी गोली सामने लाकर केस को मजबूत कर दिया है। कौन है वो? मुन्ना। छोड़ दो उसे। राका, सुबह तक बेल मिलना मुश्किल है, और पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया खड़ी है। सुबह गाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे लगाना। मुझे उससे मिलना है, मुन्ना। देख के मुझे एक चीज अच्छी लगी और एक चीज अच्छी नहीं लगी। जिस नाम से लोगों की रूह कांप जाती है उसे तुम फेंक देते हो दूध में से मक्खी की तरह। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो मक्खी मैं हूं यह पसंद नहीं आया। तू है कौन? एक नाकाम इंसान। 2 बार तुझे मारने की कोशिश की लेकिन तू बच गया, इसलिए नाकाम इंसान। कुछ याद आया?
उस आग में जल के तू खाक हो गया और अफसोस कि तू जिंदा बच गया। और दूसरी बार उस दिन भी लगा कि तुम मर गया, पर तेरा नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा था। वो एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था। फिर क्या हुआ? तू डर गया क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। जब तू दो बार बच गया तो मैंने सोचा तुझे ऐसी मौत दूं जिसे देख तेरे फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। तुझे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तुझे सजा देना चाहता था। ए मुन्ना, तेरी सजा तो यहां आने पर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे यहां तड़पा तड़पा कर मारूं, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। आज से 18 साल पहले तूने जो गुनाह किया उसे इतनी जल्दी भूल गया? राका उर्फ रत्नाकर, तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? मेरा असली नाम भी तूने ही रखा था। कुछ याद आया? अपनी मौत को तूने खुद पैदा किया है। बेटा हूं मैं तेरा। बचपन से लेके आज तक सोचता रहा कि तुझे कैसे मारूं, लेकिन आज तकदीर ने तुझे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। चाहूं तो एक झटके में मार दूं, लेकिन 18 साल से जल रही सीने की आग को 10 सेकंड में नहीं बुझाना चाहता। मेरी जान बख्श देगा यही कहकर भिजवाया था ना तूने इसे? मैं तुझे तेरी जान की भीख देता हूं, जा जी ले। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। मेरी सोच के आगे तुझे घुटने टेकने होंगे और तू अपने किए पे पछताएगा। आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं तेरा बेटा हूं। मैं तेरा बेटा नहीं, आज से तेरा दुश्मन हूं, याद रखना। अरे जानता है, अपना मुन्ना है ना, उसने राका के घर में घुस के उसे जान से मारने की धमकी दी। पता है, वो कोई और नहीं, राका का ही बेटा है। सर आओ आओ। कमिश्नर, राका का केस कहां तक पहुंचा? सर वो श्रीनिवास जी के मौत से पहले ही राका ने FIR दर्ज करवाई थी। उसने ये लिखवाया था कि उसकी पिस्टल कहीं खो गई है। अच्छा, वो मुन्ना का क्या हुआ? सिर्फ इतना पता चला है कि वो राका की ही औलाद है सर। अच्छा हुआ उस राका को मारने कोई आ गया। इस मामले में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। मुन्ना ने राका को खत्म कर दिया तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर राका ने मुन्ना को खत्म कर दिया तो पुलिस अपना काम करेगी। मुन्ना, जिस राका से पूरा शहर कांपता है तुम उसी की मांद में जाकर उसे धमकी दे आए, ये सब क्या है? बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ रहे, लेकिन कभी तेरे अतीत के बारे में जान नहीं पाए। ऐसा लग रहा है मैं तुझसे बहुत दूर हो गया हूँ। क्या तेरा अतीत जानने का हक हमें नहीं है मुन्ना? ऐसी बात नहीं है बिल्लू। अरे इतने साल शहर रहने के बाद फिर से वापस आया हूँ, सोचो किस लिए? अरे तुम सबको वापस शहर ले जाने के लिए। यहाँ गांव की खेती बाड़ी और घर बार छोड़कर आखिर शहर में जाकर क्या करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? अकाल पड़ा हुआ है, खेत सूखे हुए हैं, यहाँ रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे भाई। शहर में रहेंगे तो कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिलेगी, यहाँ रहेंगे तो राम नाम सत्य है। देखो शहर में
सुंदर पार्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्रेन है, मोटर गाड़ियां है, अच्छा खाना है, हॉस्पिटल है, बड़े मजे की जिंदगी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वहां काम करने के लिए बस लड़कियों की ज्यादा डिमांड है, बाकी सब ठीक। कोई जरूरत नहीं है, हम गांव में रहे और बहू बेटे को शहर भेजे, हमारी मर्दानगी अभी तक मरी नहीं है। बात करता है, ए, बैठी क्या है, चल यहां से। अरे जा, इस घमंड से पेट नहीं भरेगा। इस बंजर जमीन के भरोसे रहोगे तो यहीं पे मर जाओगे। जरा अपनी अकल से काम लो और सोचो क्या करना चाहिए। ये क्या बात हुई, लड़कियां काम नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं कर सकती, अगर काम करेंगी तो दो पैसे घर आएंगे भाई। अपनी फूटी किस्मत में कब तक रोओगे? मेरी बात मानो और इस बात पे अमल करो। अगर कोई शहर जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? ये हुई ना बात गुड़िया, ये देखो ये जो पेपर है ना, इस पे सिर्फ अपना साइन करो और सिर्फ 100 रुपए भर दो। मेरा यकीन करो। ए लाला, एक फोन कर रहा हूँ। हाँ कर लो। नमस्कार भाई, रत्नाकर बात कर रहा हूँ। दुबई में शेख को खबर कर दो, कल 6 आ रही है बिल्कुल ताजा तरीन। अरे गांव वाली है एकदम टकाटक। लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैं कमीशन नहीं लूंगा, समझे? हाँ, मैंने जो कमीशन मांगा है मुझे वही चाहिए। चलो चलो उतरो उतरो, स्टेशन आ गया, चलो। दो मुझे। आओ, सुनो, तुम दोनों यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं कुछ काम ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? सामान का ख्याल रखना बेटा।